बाबा ने जब शीश का, बेटा वहीं बैठ जाओ, शीश का दान दिया। देखो जिसको बीच में उठ के जाना हो ना, वो हमेशा पीछे बैठा करो, आगे से उठ के चल देते हो आप, और फिर चार लोगों का भाव खत्म हो जाता है, बिना बात बाप के भागी बनते हो। ऐसे ही हमारा मन नहीं लगता भजन में, अब जब लग जाए तो बीच वाला कहे मैं तो जा रही हूँ, तो चल रही क्या, चलना चलना, हम तो डूबेंगे शरण तुमको भी ले डूबे, मैं न सुनू तो इसको क्यों सुनने दूं, आप बिल्कुल मत जाना, कोई आपको गई बोले मैं तू जाऊ, मैं सारे घर के काम करके आई हूँ, और नहीं करके आई तो जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और प्राण निकलने से पहले दो बातें कर लो शाम से, प्राण निकलने से पहले कर लो, क्योंकि ऊपर जाके वही मिलेंगे जान पहचान, यहीं से कर लो, नहीं तो वो भी कह देंगे तू कौन, नीचे हमने कह दिया तू कौन, ऊपर वो कह देगा तू कौन, तो यमराज के लट्ठू बताएंगे तो हम कौन। बोलो जय श्री श्याम, भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जितने छोटे बच्चे हैं इधर सुनो, तुम्हारा पेपर होएगा सर, बोलो जय श्री श्याम, इधर सुनना, मैं तुमसे पूछूंगी, और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 100 रुपये मिलेंगे, मेरी बात का 100 रुपये मिलेंगे हर बच्चे को, और जिसने गलत जवाब दिया उसके मम्मी पापा से यहाँ पे 2000 रुपये धरवा लिए जाएंगे, समझ लो, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं 100 के 500 भी दे सकती हूँ अगर जवाब मुझे अच्छा लगा तो, लेकिन गलत दिया तो फिर 500 के 5000 धरवाए जाएंगे यहाँ पे, इसलिए ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, ये तू भी सुन ले, जब बाबा ने बैठ जाओ शीश का दान दिया तो उनकी आयु कितनी थी, सुन लो रे बच्चों कितनी आयु थी, किस किस को पता है, एक देखो हम जिनके सामने बैठे हैं हमें पता तो होना चाहिए ना, कि हम जिनके सामने बैठे हैं उन्होंने शीश का दान दिया, क्यों दिया, कब दिया, क्या हुआ था, कुछ तो पता हो ना। अच्छा जिन जिन को पता है पहले वो हाथ उठाओ, कितनी उम्र थी उनकी जब उन्होंने शीश का दान दिया, है? इसने बिल्कुल सही उत्तर दिया, कितने, 16 14 वर्ष, तो सबने सही उत्तर दे दिया, चलो ठीक है, 100 100 रुपये, 1 2 3 4 5 5, वैसे मुझे पता है यहाँ पे चीटिंग हुई है, वो इसीलिए सब बता रहे थे कि उन्हें 2000 रुपये ना देने पड़ जाए। 14 वर्ष की आयु में एक बालक ने शीश का दान दे दिया, किस लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ध्यान से सुन लो मेरी बहनों। अरे तुम कितना बोलते हो भाई, मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो मेरे को बोलने दो ना, तुम बाद में बोल लेना घर जाकर, अच्छा तू भी अभी बोले हो। महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव पांडवों की तरफ आधा आधे संसार इधर और आधा इधर, युद्ध शुरू हो गया, भगवान किसकी तरफ थे, कमजोर की तरफ, जितने बलशाली थे सब दुर्योधन की तरफ चले गए, भगवान ने कहा मैं अर्जुन की तरफ, और जब पांडव हारने लगे पांडव पुत्र भीम, भीम का बेटा घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी, क्या नाम है इनका, हाँ सारे बच्चे इनको पता होना चाहिए, जब घटोत्कच शहीद हो गए, बैठ जाओ भैया वहीं 2 मिनट बैठ जाओ भाई, कथा हो रही है मैं नहीं उठूंगी यहाँ से, तो इधर से आना बेकार है, जो आ रहे हैं उनको पीछे ही मना कर दो, प्रेम से कहो जय श्री श्याम। जब पांडव हार रहे थे तो बर्बरीक की माता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुझे महादेव के दिए हुए 3 बाण का वरदान प्राप्त है, तुम जाओ और जाकर के युद्ध में अपनों के संग दुश्मनों के साथ लड़ाई करो,
अपनों की तरफ से लड़ना। माँ मैं कैसे पहचानूंगा, बोला जो हार रहे हैं वही अपने हैं। माँ जानती थी कि बालक है, कहीं दुर्योधन इसकी बुद्धि में कुछ बातों के लक्ष्यों में फंसा के अपनी तरफ न कर ले। तो माँ ने ये वचन लिया कि मुझे वचन देके जा कि तू हार रहा होगा उसी तरफ से लड़ेगा। बालक जब युद्ध तक पहुंचा तो पासा पलट गया, अब कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। भगवान अचानक जाग उठे भोर के समय, जब वो बालक युद्ध के नजदीक पहुंचा चुलकाना धाम के पास। आज भी एक गांव है वीर बबरान गांव। बबरान गांव में आज भी वो पीपल का पेड़ है, जहां उस पेड़ के नीचे वो बालक आराम कर रहा था। भगवान ब्राह्मण के वेश में वहां पर पहुंचे और बोले जजमान की जय हो। हम तो कहते हैं भगवान की, भगवान ने यहाँ पर आकर के कहा जजमान की जय हो। बालक बोला आज्ञा दीजिए ब्राह्मण देवता। बोले ब्राह्मण को कुछ दिए भी नहीं चले जाओगे? बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं जो मांगूंगा वो देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बच्चा किसका है? बेटा बैठ जाओ। माताओं से मेरी खास तौर से निवेदन रहता है, क्यों रहता है सुनो, जब किसी रिश्तेदार के घर जाना होता है ना, बच्चे को पहले से सवेरे से ही पाठ पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ना ऐसे बैठना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना, और समोसे की तरफ तो देखना ही मत, और उनके घर में जाके उधम मत मचाना, चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना। जब रिश्तेदार के घर जाने से पहले इतना समझाती हूँ, तो कीर्तन में लाने से पहले भी समझाया करो कि बेटा उधम नहीं मचाना, पाप लगेगा, बच्चा सोचेगा, तभी वो भगवान को मानना शुरू करेगा। नहीं तो वो यहाँ पे कबड्डियाँ ही खेलेगा, बचपन से यही सोचेगा ये कबड्डी खेलने का मैदान है। आप और हम ही बच्चों में धर्म बिठाएंगे। उस माता ने बच्चे में धर्म बिठाया था कि धर्म की लड़ाई लड़नी है। बोले मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए, भगवान ने कहा। बालक एकदम से उछल के खड़ा हो गया, क्या चाहिए? शीश का दान। बोले सहर्ष दे दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप अपने असली रूप के दर्शन कराइए, मैं पलक झपकते ही शीश का दान दे दूंगा। भगवान शंख चक्र गदा पदम धारी श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की, और खाटू नरेश की। जैसे ही भगवान अपने असली रूप में आए, बालक दोनों हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में बैठ गए, अपने ही तीर से अपना शीश काटा और भगवान के चरणों में भेंट कर दिए। भगवान बड़े दुखी हो गए, छोटे से बच्चे से मैंने क्या मांग लिया? बोले बेटा कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बच्चा बोला जब आपके दर्शन हो गए तब क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कलयुग में तेरी मेरे नाम से पूजा होगी, तू हारे का सहारा कहलाएगा, जो भी दरबार में तेरे सारे संसार से हार करके आएगा वो वहां से जीत करके जाएगा, तेरा नाम हारे का सहारा कहलाएगा। और शाम प्यारे की, और हारे के सहारे की। Oh,
मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी।
आगे बोला मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के समर्पण कर दो सरेंडर कर दो सरेंडर करो भगवान को उठा दो